क्या आपको पता है आईने की आविष्कार किसने की थी? नहीं पता तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज की खोजकर्ता को जानने के लिए हमें आज से 5000 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब प्राचीन काल में मेसोपोटामिया सभ्यता ने शीशे की प्रकृति को आरंभ किया। उन्होंने सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट जैसी प्राकृतिक सामग्री की उपयोग करके शीशे की ग्लास बनाने की कला को उजागर किया। ग्लास बनाने के लिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट को गर्म करके एक तरल ग्लास मिश्रण को सांचे में ढाला जाता था, फिर ठंडा होने के बाद उसे निकाला जाता था, जिनसे एक ठोस ग्लास का आकार बनते थे। इस कला को रोमन सभ्यता के लोग भी उपयोग में लाया करते थे। शीशे की आविष्कार की प्रथम श्रेय मेसोपोटामिया की सभ्यता को जाता है, जिन्होंने शीशे की खोज और आविष्कार में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, और उनकी इस खोज ने आज के आधुनिक विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिन्हें आज इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिकल्स डिजाइन किया जाता है, और मुख्य रूप से घरों में आईने के रूप में उपयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सरल भाषा में आईने की खोज आविष्कार के बारे में बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।